अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे चिकन और भिंडी। तो रेसिपी जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हमने ऑयल लिया और उसे गर्म कर दिया। फिर मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। अब मैंने इसे खोल दिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने प्याज लिए, टमाटर लिए और शिमला मिर्च लिए, वो भी जो हमने चिकन बनाया उसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके बाद 2 सब्ज़ मिर्च लेंगे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे कि अच्छी तरीके से पक जाए। अब हमने इसमें मुर्गे मसाला ऐड किया और थोड़ा सूखा धनिया डाल दिया। तो यहाँ पे ये चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने थोड़े और प्याज और थोड़े टमाटर काटे हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हमने भिंडी काटी थी और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जी तो बिल्कुल यहाँ पे हमने इसमें भिंडी भी ऐड कर दी है। और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब हमने इसको कुछ देर के लिए पकाना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं भिंडी अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। जब भिंडी का कलर इस तरह से हो जाए मतलब भिंडी बन चुकी है। और आपने इसको दम पे ज़्यादा रखना है, फिर ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर फ्राई करिएगा। मज़ीद रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।